बाघ के शरीर पर काली पट्टियाँ होती हैं और वो बहुत ही शानदार दिखता है। तब तो मुझे अभी के अभी बाघ देखना है दीदी। ठीक है रो मत, अभी ले चलती हूँ तुम्हें बाघ दिखाने के लिए। देखते ही कांपने नहीं लगता। यही नहीं, जब शेर और बाघ की लड़ाई होती है तो ज्यादातर बाघ ही जीतता है। तुम बाघ को देखने के लिए उतावले हो रहे थे ना, अब मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो? बाघ की कितनी जातियाँ थी, अब कितनी बची हैं? बोलो बोलो पप्पू। मुझे लगता है आपने ध्यान देकर सब सुना होगा। अगर ऐसा है तो अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए।